बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज होस्ट डिफेंसेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर होस्ट डिफेंस के पल्स को रिवाइज करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया था, तो इस वीडियो के अंदर हम होस्ट डिफेंस को कवर करेंगे। फिर इसके बाद लेबॉरेटरी डायग्नोसिस है, एंटीवायरल ड्रग को नहीं करेंगे, वायरल वैक्सीन को कर लेते हैं। चलो तो इसकी वीडियो के अंदर हम होस्ट डिफेंस को कवर करते हैं। तो पहला है इंटरफेरॉन, फिर हमने पढ़ना है अदर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और उसके बाद स्पेसिफिक डिफेंस। यानी जो इंटरफेरॉन होता है नॉन स्पेसिफिक है, जबकि स्पेसिफिक के अंदर कुछ और चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। अब जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होते हैं, इसका मतलब है कि ये ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो हर वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये किसी को नहीं देखते कि ये हर्पीस वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, रोटा वायरस है, रोट्रो वायरस है, रियो वायरस है, किसी को नहीं देखते, बस उड़ा देते हैं। इंटरफेरॉन होता क्या है, अब जो वायरस होते हैं और वायरस स्पेसिफिकली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये पोटेंट इंड्यूसर होते हैं इंटरफेरॉन का। बहुत सारे वायरसेस इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करने की वजह से वायरसेस की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो इंटरफेरॉन की इंडक्शन होती है और इसका एक्शन, दोनों के दोनों स्पेसिफिक नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जो इंटरफेरॉन होते हैं सेल के सर्फेस पर रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं जो सेल इन्फेक्ट हो चुका है, और उस सेल को सिग्नल करते हैं कि आप राइबो न्यूक्लियस प्रोड्यूस करो, प्रोटीन काइनेस प्रोड्यूस करो और ओलिगो ए सिंथेटेस प्रोड्यूस करो, ठीक है। ओके, जो कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो इन्फेक्टेड सेल बनाता है, वो इन प्रोटीन को एक्टिवेट कर देती है। इंटरफेरॉन सेल के अंदर एंटर नहीं होते और इनका एक्स्ट्रा सेलुलर वायरसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे वायरसेस जो किसी सेल को इन्फेक्ट करेंगे उन्हीं पे होगा। और प्रोटीन कौन कौन सी होती है, राइबो न्यूक्लियस है, प्रोटीन काइनेज है और ओलिगो ए सेंथिटेज होती है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है। इंटरफेरॉन एक तो एंजाइम की सेंथिसिस को बढ़ा दिया, दूसरा इंटरफेरॉन रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है बाय ब्लॉकिंग प्रोटीन सेंथिसिस। ओके, तो प्रोटीन सेंथिसिस किस तरह से ब्लॉक कर सकता है, तो ये एमआरएनए को डिग्रेड कर देता है और इलोंगेशन फैक्टर टू को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। ओके, तो वायरस की रेप्लिकेशन भी नहीं हो पाएगी। इसके साथ जो अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग एंटी वायरल एक्शन होता है एज कम्पेयर टू गामा इंटरफेरॉन, क्योंकि जो गामा इंटरफेरॉन होता है यह इंटरल्यूकिन है जो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। अब मैक्रोफेजेस बेचारे वायरस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब बारी है नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस की, अदर नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। तो अदर नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक नेचुरल किलर सेल है, नेचुरल किलर सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं, ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं, ओके, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल कर देते हैं, कैंसर इन्फेक्टेड सेल को भी किल कर देते हैं। नेचुरल किलर सेल के पास कोई एंटीजन रिसेप्टर नहीं होता, डैट इज़ वाई हम इनको टी और बी लिम्फोसाइट की क्लासिफिकेशन में ही नहीं डालते। ये नेचुरल किलर सेल ऐसे सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं जो MHC-1 को एक्सप्रेस या डिस्प्ले नहीं कर रहे होते। ये सेल को उन्हीं दो मैकेनिज्म से किल करते हैं जो साइटोटॉक्सिक टी सेल करता था, लाइक परफोरिंस और गैरेंजाइम के जरिए। ओके, अब जो मैक्रोफेजिस से फेगोसाइटोसिस और म्यूकस की क्लियरेंस होती है बाय द सिलिया ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये इंपॉर्टेंट डिफेंसेज होते हैं। ये अदर नॉन स्पेसिफिक है, यानी पहला तो नेचुरल किलर हो गया, दूसरा मैक्रोफेजिस और म्यूकस की क्लियरेंस बाय सिलिया दूसरा हो गया, तीसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, वो होस्ट डिफेंस को सप्रेस कर देते हैं। ओके, और जब होस्ट डिफेंस सप्रेस हो जाएगा तो वायरल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। जो मेल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से मीजल्स का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। अब बारी है स्पेसिफिक डिफेंस की। अब यहाँ पे दो इम्यूनिटी लिखी हुई है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो वायरल इन्फेक्शन के केस में होती है, होस्ट खुद बनाता है, इसमें एंटीबॉडीज और साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, या तो वायरस का एक्सपोजर होता है या बाहर से हमने कोई वैक्सीन ली है लेकिन काम हमारे इम्यून सिस्टम ने ही करना है। जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडीज वगैरह को लेना शुरू कर देते हैं। ओके, जो एक्टिव इम्यूनिटी का ड्यूरेशन होता है वो रिलेटिवली लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी जो ईयर्स तक एक्सटेंड करती है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक एक्सटेंड करती है। जो पैसिव इम्यूनिटी उस वक्त इफेक्टिव होती है जब आपने उस वक्त लिया है, यानी ये इमीडिएटली इफेक्टिव होती है, लेकिन जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसको 7 से लेकर 10 दिन लगते होते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स में, और सेकेंडरी के अंदर 3 से लेकर 5 दिन लगते हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन होना फ्रॉम इम्यूनिटी इन अदर मेंबर ऑफ द, यानी अगर दूसरे मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर इम्यूनिटी है तो वो किसी वायरस के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ओके, ठीक है, जब भी यहाँ पे लिखा है कि अगर कोरोना वायरसेस के केस में अगर 10 बंदे हैं, 10 बंदों में से अगर सारे के सारे वैक्सीन लगा लेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो आगे फैलेगा नहीं, तो एग्जाम्पल है हर्ड इम्यूनिटी। जो हर्ड इम्यूनिटी होती है कैसे अचीव होती है, या तो इम्यूनाइजेशन से या फिर नेचुरल इन्फेक्शन होता है ऑफ सफिशेंटली हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, तो या तो आप इम्यूनाइजेशन कर लो या नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए, इन दोनों के केस में एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, और एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से वायरसेस आगे एक बंदे से लेकर दूसरे बंदे में नहीं फैल पाता। तो हमने होस्ट डिफेंस को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।